ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ मजदूर एकता जिंदाबाद गलबात करते हैं इन्हों के नाल फिर इतने पंजाब के लोगों के नाल भी गलबात करांगे क्योंकि इन्हों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी है जिहड़े पंजाब के लोग के लिए आए हैं तो उन्होंने नाल भी गलबात करनी जी जरूरी है तुसी दिल्ली के लोग हो जी पंजाब के नाल संबंध दिल्ली नाल भाई साहब जी अज क्यों इतने मतलब किस तरह की खुशी है तुहाडे दिलों के विच जिहड़े स्लोगन तुसी फड़े है ये लैके तुसी पैदल चल रहे हो पैदल मार्च कर रहे हो की मकसद है अज असी 26 जनवरी नूं गए सी जी लाल किला किसानों की सपोर्ट के अंदर ते उन्होंने सानू जदों फड़ लिया 8 फरवरी नूं मैं अरैसट कर लिया गया सीगा एक महीना मैं तिहाड़ जेल कट्टी है ते सानू कहिंदे सीगे इह खालिस्तानी हैगे ने इह मतलब कि आतंकवादी हैगे ने मैं उन्होंने कहा कि असी खालिस्तानी नहीं असी आतंकवादी नहीं साडे कोल कहिंदे तुसी किसान हो जी असी कहा जी असी किसान नहीं मैं कहा साडे कोल जमीना नहीं मगर जमीरा ने इह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बख्शा होया ताज है जिहड़ा आपां सपोर्ट 'च चले हां तो अज बहुत खुशी है इदा की खुशी महसूस होंगी है जिमें कि समझ लो दिल्ली 19 बार बाबा बघेल सिंह ने जीती अज भी बार किसान मजदूर ने जीती है वो बहुत बहुत खुशी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अकाल जी खुशियां देखो इन्हों के चेहर के उत्ते मार्च शुरू कितों किया और कितों तक लैके जाना असी भाई साहब जी स्टेज तो आ रहे हैं तो असी अगे जिथे तक भी जा सकते हैं असं कोशिश है गोल्डन हट तक जाना है उतों असी होके फिर वापस आवेंगे ए खुशी इन बच्चों सब नू इन्नी खुशी हुई पई है ना कि ये लोग तो मतलब जाहिर ही नहीं कर सकते जिन्नी खुशी हुई है मैं कहना गुरु साहब की कृपा उस परमात्मा उस अकाल पुरख की कृपा हुई है जिहड़ा कि असी जीत के द्वारा जा रहे हैं और हमेशा एक चीज़ रही है जदों भी कभी भी जुलम का कोई गल हुई है तो सब तो पहले पंजाब ने आवाज़ चुकी है सिखी ने आवाज़ चुकी है ना सिख ने कभी जुलम किया तो ना सिख ने कभी जुलम सहना आ चाहे कोई भी आ जाए राजे महाराजे चले गए तो मोदी वर्गे है ही की बोले सोन हाल पंजाब की गल की है पंजाब जुलमां के खिलाफ लड़ता रहा पंजाब ने एक बार फिर फतेह हासिल कर ली है इस करके दिल्ली के रहने के बावजूद भी तुम आ जो स्लोगन नाल लैके जा रहे हो कि जिंदा वसदा रहे मेरा देश पंजाब देखो जी भमा मैं दिल्ली च हैगा हाँ मेरा जन्म दिल्ली का हैगा आ मगर साडा पिछोकड़ तो पंजाब हैगा आ असीं उहनूं किद्दां भुल जाइए जे कोई अपना पिछोकड़ भुल गया तो जिंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकता इस करके साडा पिछोकड़ जो है वह पंजाब हैगा आ और असीं पंजाब तो ही ठीक है साडे वड्डे बजुर्ग इत्थे आ के बस गए सीगे कम्मां काजां दे इत्थे ही रह गए तो उहदी कोई गल नहीं मगर अज भी साडे दिलां च पंजाब जिंदा है तो जद तक असीं जिंदे हाँ साडे दिलां च पंजाब जिंदा रहेगा पंजाब जिंदाबाद देखो दिल्ली जिथे पंजाब के मनों के खुशी है तो उत्थे दिल्ली वालों के मनों के भी खुशी है नौजवान भी ने तुसी की कहना चाहते हो अज पंजाब वापस जा रहा गा संघर्ष नूं जित के जा रहा मोर्चा जित फतेह हासिल करके जा रहा फस्ट ऑफ ऑल तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह पंजाब एक तो जित के जा रहा उसकी खुशी भी बहुत है तो दूजा जा रहा वह गम भी बहुत है दिल्ली का बॉर्डर पार हों तो लगता जिवें पंजाब एंट्री होए हैं तो हूँ लगता कि हाँ वापस हाईवे हो गया है सारा कुछ हो गया है बट अकाल पुरख की मेहर सदका असी जित के जा रहे हैं पंजाब ने पहला भी दिल्ली दी है इस बार भी जित के जा रहा है तो रही दुनिया तक जदों भी जुल्म होएगा तो पंजाब दिल्ली जिद्दा रहेगा दिल्ली की जिहड़े जिहड़े जुल्म होएगा उत्थे उत्थे पंजाब जिद्दा रहेगा बिल्कुल जी पंजाब जुल्म के उत्ते जित हासिल करता रहेगा तुम की कहना चाहते हो तुम राज करेगा खालसा आखी रहे ना कोई इन्नी खुशी है कि साडे बैनर भी साडे बच्चों ने खुद अपने हाथी बनाए ने
खुशी इन्नी है कि मेरे को तो लवाज ही नहीं है बोलने की, मैं बोला कि बहुत सारे लोगों भी गलबात करते ने और एक बार फिर देखो अखां दे विच हंजू भी आ जाते इन्हां दे, पता नहीं क्यों भावुक होंदे आ, बोलन नूं भी तैयार नहीं है, गलबात करदे आ, क्यों भावुक हो रहे आ तुसीं दस दिओ। कि खुशी दे आंसू है, तुसीं आप ही भावुक हो। ए खुशी दे आंसू है, मैं सिखी बिल्कुल, मेरी फैमिली प्रॉपर सिख फैमिली है, ते जदों मैं अपने जदों दा होश संभालिया तदा मैं पहली बार इन्ना वड्डा एक वॉर कह लो, एक जुलम दे खिलाफ लड़ाई कह लो, ते ओ असी जित्ते आ, उस अकाल पुरख उस निशान साहब दे हेठ जित्ते आ, ते ओदी खुशी ओदा जज्बा ओ अलग ही है। मतलब अज इन्हां नाल पता नहीं केड़ा पहले दिन जदों आए सी उदा ही केड़ा रिश्ता बनिया सी मैनूं नहीं पता, लेकिन साडा घर मन नहीं लगदा सीगा, ते अज बस इदां आ, जनरली इदां हुंदा कि कुड़ियां घर छड्ड के जांदियां, सानूं अज इदां लग रिहा कि साडा घर सानूं छड्ड के जा रिहा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।